मेरी इंस्पिरेशन नहीं है, मेरी माँ जिन्होंने मुझे हमेशा इनक्रेज किया, उनकी सपोर्ट के बाद मुझे फैमिली ने सपोर्ट किया, पापा ने, भैया ने। और एक और चीज़ है कि बींग ए राजपूत फैमिली, आपको पता राजपूतों में संगीत होता नहीं है, तो उन्होंने अलाउ किया और मैंने संगीत विषय रखा गुरुजनों की सजेशन से। गवर्नमेंट कॉलेज देरी से मैंने ग्रेजुएशन किया और फिर चंडीगढ़ का रुख किया, और वहाँ पे मुझे टीचर मिली डॉक्टर नीलम पवार, जिन्होंने मुझे तराशा और इस काबिल बनाया कि मैं मुंबई में जाके कुछ करूँ। मुंबई का स्ट्रगल कुछ अलग तरह का है। चंडीगढ़ में मैं पीएचडी करके गया, डॉक्टरेट करके गया म्यूजिक में, लेकिन वो प्योरली क्लासिकल म्यूजिक में किया मैंने। तो मुंबई में बॉलीवुड है, यू नो, फिल्मी सॉन्ग्स, सो वहाँ का सफ़र और संघर्ष थोड़ा अलग है। जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो ऐसा कोई था नहीं कि मुझे कोई गॉडफादर मिले या कोई ऐसी बात थी। एक मेरे फ्रेंड है यूवी, जिन्होंने यूवी सिंगर है, पहाड़ी सिंगर है, वो भी बॉलीवुड के सिंगर है, पहाड़ी गाना भी गाते हैं, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अपने साथ थोड़ा रखा, और फिर धीरे 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 सिलसिला शुरू किया। फिर मुझे इंडियन आइडल मिला, आइडल 4 मिला, जिसमें मैंने एज ए प्रीकास्टिंग जज काम किया, और उसके बाद थोड़ा सीरीज में प्ले काफ़ी किया मैंने, प्लेबैक किया, लाइव शोज़ किए, वो भी करता हूँ अभी। फिर उसके बाद मुझे म्यूजिक डायरेक्शन का चांस मिला, तो उसमें मेरी 3 फिल्में हैं, छोटू, इश्कम और इश्क चार, ये 3 फिल्में जिसमें मैंने म्यूजिक दिया है। मेरे साथ मेरे पार्टनर हैं विकास विश्वकर्मा, जो कि ऑडियो टीम के मेरी बैकबोन है, और इस तरह से मेरा काम चला हुआ है। आई एम परफॉर्मिंग ऑल ओवर वर्ल्ड। और गांव जो है, देखिए गांव की बात है तो गांव एक इंस्पिरेशन की तरह काम करता है। आप आज जब भी मैं जहाँ भी खड़ा हूँ तो गांव की मिट्टी को मैं भूलता नहीं हूँ, और इसलिए मैं तो महीने 2 महीने 1.5 महीने में मैं घर आता हूँ। फिर उसके अलावा ये जो गाना है पहाड़ी सॉन्ग, ये पीनी है जी, ये गाना मेरे आशीष जी फ्रेंड है, इन्होंने लिखा है। और देखिए मैंने फिर से ये बात कह रहा हूँ कि ये गाना कोई इंस्पिरेशन नहीं है किसी को, ये गाना मैंने सटायर की तरह गाया है, और इट्स अ प्योर फन सॉन्ग। तो इसको देख के या इसको सुन के कोई ये ना कहे कि मुझे आज पीनी है, ऐसा नहीं है। इसको एक गाने की तरह लें, एक एंटरटेनमेंट की तरह लें। मैं खुद पीता नहीं हूँ और मैं नशे के खिलाफ हूँ, मैं मुझे पसंद नहीं है। इस गाने में मैंने कॉफ़ी पिया, जो मुझे डॉक्टर ने कहा, इस तरह से मैंने एक्ट किया, सर इट्स अ पार्ट ऑफ एक्टिंग। सो इस तरह से मैं काफ़ी फोक की चीज़ें कर रहा हूँ। अभी हम लोग प्योर फोक भी लेके आ रहे हैं, आशीष जी ने गाने लिखे हैं, और भी पाबो मेरी है, पाबो मेरा ब्याह करा दे, या फिर दिल दे दे भी है, दिल दारे ने मेरे बर्थडे पाओ दिए साली ने, प्रॉपर हम लोग हिमाचली फोक के ऊपर भी गाने लेके आए हैं। और जहाँ तक मेरी जर्नी की बात है, आई एम एंजॉयिंग दिस। स्ट्रगल काफ़ी रहा, मेरा 8-9 साल का स्ट्रगल रहा वहाँ पे, लेकिन रिसेंटली हमने एक बोमन ईरानी ने हमारा गाना लॉन्च किया है आरजी म्यूजिक पे, एक रब्दी मेहर करके गाना था, उसमें मेरे पार्टनर है राजीव व्यास, जिसके साथ मिलकर कि मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला है आरजी म्यूजिक, तो ये सब गाने आरजी म्यूजिक पे आएंगे। और उसके अलावा नेक्स्ट सॉन्ग मेरे क्या है, बहुत ब्राउन वाला कलर करके गाना आ रहा है, जिसकी शूटिंग मैं इस्तांबुल में कर रहा हूँ, सो दैट्स ऑल्सो कमर्शियल सॉन्ग, वो भी एक कमर्शियल एस्पेक्ट का मेरा गाना है। मैं एक छोटा सा शख्स हूँ, एक गाँव से गया हूँ, तो आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं बड़ा बन पाऊंगा, बड़ा बनूंगा। आपकी सपोर्ट के बिना मैं अधूरा हूँ। मुंबई में मेरा, चलो मुंबई में हम लोग लॉन्च करते हैं, वहाँ की मीडिया अलग है, लेकिन आप लोग मेरी बैकबोन है यहाँ पे हिमाचल में, और मेरे घर की मीडिया है। मैंने पहले प्लान किया था कि इसको धर्मशाला में लॉन्च करूँ या फिर शिमला में लॉन्च करूँ, लेकिन पहले मैं अपने घर से ही लॉन्च करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। सो आई एम हेयर विद यू एंड थैंक्स अ लॉट टू यू पीपल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं अपने नेक्स्ट सॉन्ग की कुछ लाइनें गुनगुना देता हूँ, राजी आशीष जी ने लिखा है जो, पब मेरी है पब मेरा ब्याह कराई दे, पब मेरी है पब मेरा ब्याह कराई दे, ब्याह वो कराई दे मिंजो कोड़ी चढ़ाई दे, ब्याह वो कराई दे मिंजो कोड़ी चढ़ाई दे,
पाबो मेरी ये पाबो मेरा ब्याह कराई दे ब्याह कराई दे पाबो मेरी ये पाबो मेरा ब्याह कराई दे।